मैं आपको बताता हूँ आपकी जिंदगी कैसे चेंज होने वाली है, क्या क्या मजे आते हैं। जजेस आर ओवरफिटेड, मेरे घर में तो है ही है, तीन चार जज हैं, एक दो तीन, हाँ तीन जज तो है ही है। देखो सुबह से बात करते हैं, मैडम अनुभा चौधरी, अनुभा चौधरी बन गई है जज अब, ठीक है। फिर इनके घर पे आएंगे सुबह सुबह दो तीन न्यूज़पेपर, वहां से शुरुआत करते हैं। वो सरकार इनको फ्री दे रही है, पैसे उनको मिलेंगे, महीने में एक या दो मैगजीन इनको फ्री मिलेंगी। ठीक 8 बजे इनके घर की बेल बजेगी और एक भाई साहब इनको नमस्ते करते हुए इनके घर पे आ जाएंगे। इनके हैं वो ऑर्डरली, वो पूरे घर के और बड़े मन से इनकी पूरा घर की सफाई करेंगे, पूरे घर का लॉन वगैरह जो जो काम कराना है, खाना बनवाना है, और इनका पूरा बैग लेकर के गाड़ी में रखेंगे और गाड़ी ले जाएंगे। लेटेस्ट रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको अब एक ड्राइवर भी मिलेगा अभी। अब जो वो गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलती है, वो पेट्रोल से चलती है। तो आप पेट्रोल क्यों फूकेंगे, आप इतना बड़ा एग्जाम पास करके आए हैं, जज बने हो, तो वो जो पेट्रोल है अप टू 75 लीटर्स का खर्चा भी जो है वो आपको सरकार भुगतेगी। आप अपने पैसे से एक बूंद का भी पेट्रोल मत फूकिए। और अब जो न्यू रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो गई, तो जो ड्राइवर है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है, ड्राइवर भी आपको मिलेगा। चलिए साहब ड्राइवर हो गया, है ना, ड्राइवर हो गया, अभी कोई खर्चा नहीं हुआ आपका, ठीक है। फिर आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में दूसरा ऑर्डरली पहले पहुंच चुका है, वो भाग भाग करके आपका सब सामान वान लेके आपको ऑफिस लेके जाएंगे। अब आपका काम शुरू हो गया। अब आप मान लीजिए आपके कोई मित्रवर, कोई पहचान के आ गए और आपको उनकी सेवा पानी करनी पड़ जाए, आपको चाय पाय पानी पड़ जाए, जो खर्चा है उसका, तो वो सारा खर्चा मेरे ख्याल से लगभग 5,000 रुपये महीना इसी बात का मिलता है ताकि आप आवभगत ढंग से कर पाए। आप जो काला कोट पहनेंगे, आप जो कहेंगे उसको रॉब अलाउंस बोलते हैं, उस ड्रेस के पैसे आपको सरकार अलग से देती है। तो पूरे दिन आपने 10 से लेकर 4 तक आप काम करेंगे, उसमें भी समझाने वाले इधर का वकील उधर का वकील, सारा लॉ तो आधा 50% लॉ वो समझा जाता है, 50% लॉ वो समझा जाता है। तो बहुत आराम से काम होता है, करने वाले हैं बहुत आराम से काम निकाल लेते हैं अपना। ठीक, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है और ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। फिर आपके साथ दूसरा ऑर्डरली घर पर आएगा, वो आपको घर पहुंचाएगा, आपको चाय पानी या फिर खाना पाना मिलाकर सब जगह, जब घर पर जाएगा फिर वो। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी घर में, उसका कौन देगा, सरकार कहाँ चली जाएगी? तो सरकार करेगी आधे पैसे बख्श दो जनाब, तो आधे जैसा पैसे दे देंगे, आधे आप दे देना। मेडिकल रीइंबर्समेंट 100% है, कहीं पर कैशलेस हो चुका, कहीं पर बिल रीइंबर्स हो जाते हैं, एलटीसी पे सरकार घुमाएगी आपको, ठीक है। तो लगभग सारे खर्चे आपके और जबरदस्त तनख्वाह, तो आपका कोई भी ऐसा खर्च। और हाँ सुनिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक या डेढ़ 1-1.5 साल के अंदर, जब लग जाएगा कि हाँ रोकोगे आपको, तो पूरे के पूरे ड्राइंग रूम को मेंटेन करने के लिए 75,000 से 1.5-2 लाख रुपए, पहले 75,000 थे, अब शायद 2 लाख कर दिया उसको, वो आपको एक मुश्त मिलेंगे अलग से, कि आप अपने ड्राइंग रूम को अच्छा सोफा, अच्छा टीवी वगैरह ये सब सामान ले आइए और अपना ड्राइंग रूम सजा लीजिए और उसका खर्चा भेज दीजिए सरकार के पास। देखो नौकरी से कोई मतलब ही खर्चों का, वो आपके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए पैसे अलग से मिलेंगे। तो अच्छा फिर गाड़ी, जो गाड़ी में जैसा आप कह रहे हैं सब, गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा दिया, अब मेरी गाड़ी के टायर भी घिसेंगे, ये पुरानी होगी, इसको कौन देगा, इसके मेंटेनेंस कौन भुगतेगा? तो नई जो रिकमेंडेशन है वो ये कह रही है कि हर साल 25,000 रुपये अलग से गाड़ी की मेंटेनेंस के भी मिलेंगे आपको। तो कोई खर्चा आपका ऐसा नहीं है जहां पर या तो सरकार आपको पूरा नहीं दे रही है या आपको वो पार्शली, वो आपको 50% के रूप में रिम्बर्स जरूर कर रही है आपको। तो इसके बाद की जो लाइफ है आपकी बहुत स्मूथ होने वाली है। किसी की हिम्मत नहीं आपके चैम्बर में घुस जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको फोन पे आपको डांट दे कि आप मेरा काम करो ही करो। कोई आया भी रोया पीटता तो बहुत बड़ी शर्म से और कहेगा कि ये कुछ पर्सनल केस है, और वहां भी डिस्क्रिशन है आपका। इनजस्टिस नहीं होता हो, जैसे मेंटेनेंस दिलाना किसी लेडी को, है ना, जैसे एमएसटी क्लेम है बेचारे का फंस रहा है किसी वजह से, तो ऐसे काम कर दिया आपने किसी ने, तो व्हाट आई मीन टू से कि जो बाद की लाइफ है वो बहुत स्मूथ होने वाली है। तो अब ये सोचो आपको, आपको वो राजा या रानी वाली लाइफ चाहिए या रजाई में घुस के अभी सोना है, टीवी देखना है। 1 साल की ये वाली मेहनत, जिसमें से 2-1 महीने निकल चुके हैं, 1-2 महीने की जबरदस्त मेहनत और पूरी जिंदगी आराम, नहीं तो आने वाले 4-5 साल इसी प्लिंस मेंस में लगे रहोगे। सारा यूथ जो जीवन है, जो जवानी का पीरियड होता है,
वो सब इसी में निकल जाएगा, दुनिया डिस्को घूमेगी, आप यहां पे लगे रहेंगे, है ना। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि इतनी ताकत से पढ़ो, इतने जबरदस्त फोर्स के साथ पढ़ो इन दोनों महीने में कि बस छप्पर फट जाए बाय फोर्स। देखो हल्का हल्का फोर्स लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक झटके से जबरदस्त तरीके से पढ़िए। बस ब्लैक टी पीजिए, कुछ भी पीजिए, कुछ भी करके नींद भगाइए, मूड होइए अपना बार बार, और एक धुन बना लीजिए बस कि मुझे याद करना है तो याद करना है, रिवाइज करना है तो करना है, घोटना है सब कुछ बुरी तरीके से, फिर आप देखो कि दुनिया आपकी कैसे मुट्ठी में आती है। तो आई बिलीव कि आप लोग जरूर करोगे इस बात को, करेंगे हाँ या ना करेंगे बताइए, प्रॉमिस में कि हाँ हम लोग आज जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, देखता हूँ कौन कितना प्रॉमिस करते हैं मुझसे भी।